क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने, 3 विकेट खोकर पूरा किया शतक। न्यूजीलैंड के ओवल में खेला जा रहा है मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के एडवर्स मैक्स और कप्तान सांगा पवेलियन लौटे। भारत की ओर से पोरल और नागर कोटी ने ऑस्ट्रेलिया को दी शुरुआती झटके। पोरल ने 2 और नागर कोटी ने 1 विकेट झटका। शर्मा ने की बेहद किफायती गेंदबाजी, 3 ओवर में 7 रन दिए। भारत के अंडर-19 टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ ने टीम नहीं किया कोई बदलाव। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली 11 उतरी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उप कप्तान शुभमन गिल ने ठोका था नाबाद शतक। फॉर्म में चल रहे हैं शुभमन से आज भी धाकर बल्लेबाजी की उम्मीद। शुभमन के घर में उत्साह, परिजनों को भारतीय टीम से सेमीफाइनल वाला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद। जैसे अब तक उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, सबने अच्छा अब तक प्रदर्शन किया है और फाइनल में भी ऐसे ही करें और जो वर्ल्ड कप है वो जीते और इंडिया लेके आए। कप्तान पृथ्वी शॉ से सेमीफाइनल का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद, ठोस ओपनिंग से फाइनल की जीत होगी आसान। पुणे में हार्ले डेविडसन रैली का आयोजन, 6वीं सालाना रैली। यूपी में एनकाउंटर का दौर जारी, मुजफ्फरनगर में हुए एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश इंद्रपाल ढेर। इंद्रपाल पर हत्या और लूट के 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। मुजफ्फरनगर में कुछ ही घंटे में पुलिस को 2 एनकाउंटर का करना पड़ा सामना। एक और एनकाउंटर में 10,000 के इनामी बदमाश मनोज को लगी गोली, हुआ घायल। नोएडा के फेज 3 में पुलिस की 2 10,000 बदमाशों से मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती बदमाशों से, 2 कार और हथियार बरामद। एक केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, बदमाशों के फायरिंग करने पर पुलिस ने भी चलाई गोली, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। सहारनपुर के गंगोह में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के मेरठ में एनकाउंटर के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश फखरुद्दीन घायल, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। हापुर में बदमाशों और पुलिस के बीच चली 12 घंटे मुठभेड़, 4 शातिर धरे गए, 1 को लगी गोली। लूट के बाद बिलखुआ से भाग रहे थे सभी बदमाश। गोरखपुर में 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ में 2 SO घायल, 2 बदमाशों को भी लगी गोली। 1 कारोबारी की दिन दहाड़ी की थी हत्या, सभी से की तलाश। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में एक और वारदात, बीके गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक युवती का अज्ञात शख्स ने सरेराह काटा गला। मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती की हालत गंभीर, हॉस्टल में चाइल्ड केयर का काम करती थी। कानपुर पुलिस का अपराधियों से दिखाई आराना, हथकड़ी लगे 2 कैदियों की गुटखा सिगरेट की तलब शांत कराती दिखी। कैमरे की नजर पड़ते ही एक पुलिसकर्मी ने हथकड़ी लगे कैदी के मुंह से निकाले सिगरेट, कैमरे की नजर बचाते हुए अलग ले गए। मुक्तसर में ताऊ से जमीन विवाद के चलते परेशान शख्स ने खेतों के पास बैठकर किया फेसबुक लाइव, इसी दौरान खुद को मारी रिवॉल्वर से गोली। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर, ताऊ से है जमीन को लेकर विवाद, पुलिस ने अब की पूछताछ, ऑस्ट्रेलिया में रहती है पीड़ित की बहन। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी विधायक उपेंद्र पासवान के घर पर की फायरिंग, गोली लगने से 1 शख्स घायल, विधायक की बड़ी सुरक्षा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।